हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेबी हेयर कट, जो कि बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊंगी। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, पार्लर में नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, तो उनका हेयर कट आप लोग घर पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हेयर कट एक छोटे बेबी के बालों में मैं कर रही हूँ। इस लड़के को जो है अपने लंबे बाल ही पसंद है, इसलिए ज़्यादा छोटे नहीं करवाने हैं। तो हम लोगों के लिए क्या ऑप्शन होता है अगर बाल छोटे नहीं करने होते? या तो बच्चों के हम लोग गोल कटिंग करते हैं, या फिर जितने बाल लेंथ होती है उसी में हम लोग यू शेप या फिर स्ट्रेट कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा लुक भी देंगे बालों को, ताकि एकदम स्ट्रेट भी ना लगे और जो हेयर कट है वो काफ़ी अच्छा सा लुक भी दे। तो इनके बालों पर जो है मैंने सबसे पहले, जब हम कोई भी हेयर कट करते हैं तो बालों को अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना चाहिए और वॉश होने चाहिए हमारे बाल। ऑयल नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छे से कट पाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वाटर स्प्रे कर लेंगे। वाटर स्प्रे करने के बाद जो है हम लोग या तो स्ट्रेट कट कर लेंगे अगर हमें कोई शेप नहीं चाहिए बालों में। अगर थोड़ा सा लुक देना है बालों में तो हम लोग के लिए ये कटिंग बेस्ट है। आप लोग घर पर इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी को बाल लंबे पसंद है, उसे छोटे नहीं करवाने हैं और आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा लुक भी आए बालों में, उसके लिए काफ़ी अच्छा हेयर कट रहेगा ये। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले सारे बालों को मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है। तो आगे के बाल मैंने जो आगे छोड़ दिए, पीछे के बालों को हम लोग जो है इक्वल कर लेंगे। पहले लेंथ कम नहीं करूँगी मैं, क्योंकि शॉर्ट नहीं करने हमें बालों को, सिर्फ एक शेप देनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट कट कर लेंगे, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बाल निकला है वो कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पहले यहाँ पर लेंथ डिसाइड कर ली अपने बालों की। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो पीछे के बाल हैं हमारे उसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। हाफ बाल हम एक शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे और हाफ बाल हम दूसरे शोल्डर पर ले जाकर काटेंगे। इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो हमारी हमने जो शोल्डर पर लेकर गए हैं बालों को, वहाँ पर एक हमें गाइडलाइन दिखती है ये वाली, जो कि हमारी सेंटर से जैसे हमने दो पार्ट किए वो हमारी ऑटोमेटिकली हमें गाइडलाइन मिल जाती है, हमें बनानी नहीं पड़ती। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम शोल्डर पर जब हम बाल कट करेंगे तो इक्वल सीधे कट करने हैं। तो क्या होगा, जब हम बाल पीछे लेकर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वी शेप हमें दिखाई देगा पीछे लेकर आएंगे जब बालों को। सेम उसी तरीके से हम लोग दूसरी तरफ भी करेंगे। टैंगल फ्री कर लेंगे अच्छे से, बालों को कॉम करेंगे बार बार प्रॉपर, और जो हमें गाइडलाइन दिखाई देती है यहाँ पर सेंटर से जो हम लोग लेंगे, वो ऑटोमेटिकली हम लोग जब शोल्डर पर जब हम लोग लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें गाइडलाइन मिल जाती है वहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीधा कट कर लेंगे। और जब हम पीछे करेंगे बालों को तो देखिए कितना प्यारा वी शेप आया है, हल्का सा लाइट वी शेप आता है इस हेयर कट में इस तरीके से। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें ये बालों को जो है शोल्डर पर ले जाकर काटना है। शोल्डर पर ले जाकर काटेंगे तो ऑटोमेटिकली वी शेप आ जाएगा। अब हमारे जो आगे के बाल हैं जो हमने पार्टीशन किया था ईयर टू ईयर, उन बालों को हम अच्छे से कॉम करेंगे और थोड़े से बाल जो हम पीछे से हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का मतलब क्या है कि जो हमारी गाइडलाइन है उसे फॉलो करेंगे, ताकि हमारे बाल जो है आगे के छोटे बड़े ना हो। और दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये कट हमें शोल्डर से आगे ले जाकर काटना है। ये देखिए मैं दूसरी तरफ भी ऐसे करके बता रही हूँ। थोड़े से बाल हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे, और पीछे के बालों को तो हमने शोल्डर पर ले जाकर काटा था, लेकिन इन बालों को हम जो है शोल्डर से आगे रखेंगे इस तरीके से। ऊपर नहीं उठाना बालों को, शोल्डर से आगे रखेंगे और जो हमने पीछे से गाइडलाइन लिया उसको फॉलो करेंगे, उसके इक्वल करके हम लोग कट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारे बाल बिल्कुल शेप में रहेंगे और जब हम इन बालों को पीछे लेकर जाएंगे तो फिर से हमारा जो है वी लुक आएगा। तो देखिएगा कितना प्यारा कट हुआ है। इस तरीके से काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, हेयर कट के हैं, मेकअप के, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैं बताती हूँ अपने वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेबी लुक देने के लिए जो फ्रंट हमारे फोरहेड के बाल हैं थोड़े से हम लोग फोरहेड पर लेकर आएंगे। इनके ऑलरेडी बेबी कट हुआ था लेकिन अब बाल काफ़ी बढ़े हुए हैं तो हम थोड़ा सा इनको छोटा करेंगे। वाटर स्प्रे कर लेंगे ताकि हमारे बाल बिल्कुल सीधे हो जाएं और अच्छा सा हेयर कट हो। उसके बाद हम लोग जो हमारी आईब्रो होती है, आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर हम लोग
हाफ इंच के लगभग हम लोग सीधा स्ट्रेट कट कर देंगे। उससे थोड़ा सा क्या होगा कि बच्चों की जो हेयर कट करते हैं उसमें बेबी लुक आना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, फोरहेड पर इस तरीके के बाल जब आते हैं। और अगर आप लोग बड़ा रखना चाहते हैं, नहीं काटने हैं फोरहेड के बाल तो ना काटें, तो हेयर पिन भी लगा सकते हैं। बच्चों को अगर छोटे बाल नहीं पसंद है या फिर आप लोग नहीं करना चाहते तो पीछे भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे बालों को ले लेंगे, फ्रंट से नहीं काटेंगे। तो इस तरीके का लुक आएगा बालों में, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।